कलवा इन्हें जल्दी से उठाओ, लेके अस्पताल जाना होगा। ठीक है। ये देखिए, मैंने आपके पसंदीदा पनीर के पकोड़े बनाए। आपके लिए मेरी फीलिंग्स और मेरा प्यार है। आप बैठिए, मैं आपके हेल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। लेकिन गौरी, तुम्हें तो मुझसे ज्यादा चोट आई है। रुको, मैं बैंडेज लगा देता हूँ। आकाश जी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो मामूली सी चोट है, मैं बाद में इस पे मरहम लगा दूंगी। मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। बैठो। बुआ जी है। प्रणाम, सदा स्वागत है। अरे नई दुल्हन, तुम तो बिल्कुल अपनी सास जैसी दिखती हो। भगवान करे तुम्हारी किस्मत उनके जैसी ना हो।
क्यों बुआ जी? बहुत दुख सहे हैं उसने। कैसे दुख बुआ जी? वो नहीं दुल्हन, ये सारी बातें रहने दो, चलते हैं। प्रणाम। एक बात पूछूं आपसे, घर में कोई भी मुझे अम्मा जी के बारे में क्यों कुछ नहीं बताता? और ये बुआ जी किस बारे में बात कर रहे थे? मैंने पिताजी को अम्मा जी की तस्वीर के सामने बातें करते हुए भी देखा है। क्या बात हो सकती है? नहीं दुल्हन, वो उक्का है ना, आज भी पिताजी अम्मा जी को बहुत याद करते हैं। और कोनो बात नहीं, और आज हम यहाँ तीज की पूजा करने आए हैं ना, बाकी बातें बाद में कर लेंगे, अब चलो। ये लीजिए। पी लीजिए, यू फील बेटर। प्लीज मुझे माफ कर दो। मॉम सही कहती थी कि मुझे तुमसे अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती। पता नहीं मैं आज तक तुम्हें समझ क्यों नहीं पाया। तुमसे दूर पता नहीं किन खुशियों को तलाश रहा था, लेकिन मुझे एहसास हो गया है गौरी कि तुम ही मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। और लोग सही कहते हैं, किसी चीज को खोने का एहसास ही उसकी इंपॉर्टेंस बताता। मुझे तुम्हारी इंपॉर्टेंस पता चल गई है। अगर मुझे बचाते बचाते अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। मुझे माफ कर दो कौरी, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। काशी, आप मेरे पति हैं, आपकी हर बात मानना, उसे निभाना मेरा धर्म है, इसलिए आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम कीजिए, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। वक्त मुझे अपने साथ साथ मामा की भी जिम्मेदारी उठानी है। काम के बगैर मैं मामा को कैसे संभालूंगा? क्या करूं मैं? कुछ तो करना ही होगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, 10 ट्रक अभी और लोड करने हैं। चलो जल्दी करो, जल्दी। Excuse me. मेरे लायक आपके पास कुछ काम है। तुम ये काम करोगे? मैं ये काम भी करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 50 रुपए घंटे का दूंगा। ये सारे सामान लोड करके गोदाम में पहुंचाने हैं। ठीक है। हरिया जी मालिक, ले जाओ इसे काम पर। जी शुक्रिया।
फरमाने के पैसे नहीं बांट रहा। हाँ चला जल्दी। गाड़ी रुको। इमरजेंसी वार्ड में क्षितिज गांधी नाम के एक पेशेंट को किडनी की जरूरत है। मैं उसे अपनी किडनी डोनेट करना चाहता हूं। युवराज गरोड़िया, यह आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा था, ऑपरेशन के बाद आपको कम से कम एक महीने आराम की जरूरत है। यह सब आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो। डॉक्टर साहब, जब इंसान के कर्म ठीक नहीं होते तो उसके हालात भी बुरे हो जाते हैं और मेरे हालातों ने तो मुझे इतना मजबूर कर दिया कि उनसे जीतने के लिए अगर मुझे अपनी जिंदगी भी हारनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जानती हो नहीं दुल्हन, सावन की इस हरियाली तीज में हर साल हम इसी तरह मिलकर झूला झूलते हैं। ये एक शगुन होता है। देवर जी, ले जाइए अपनी दुल्हन को। आओ जानवी, बैठो। छोटे ठाकुर, जल्दी चलिए, गजब हो गया है। बड़े ठाकुर के साथ हादसा हो गया है, बहुत जख्मी है वो। क्या, चलो। मामा, मामा मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूं, आ जाओ बैठो। क्योंकि ये मेरा फर्ज है मामा और आप मुझे नहीं रोकेंगे। चलो खाना खा लो। नहीं युवराज, मुझे भूख नहीं। पता नहीं तुमने सुबह से कुछ खाया होगा या नहीं, तू खा ले। देखो मामा, अगर आप खाना नहीं खाओगे ना तो ये खाना मेरे गले से भी नहीं उतरेगा। चलो खाना खा लो।
नहीं मम्मा, आप खा लो। युवराज, मम्मा, युवराज, युवराज क्या हुआ तुम्हें? सोच समझ के कदम उठाना पड़े। आप ठीक तो है ना? अरे हम बिल्कुल ठीक है, तो चिंता ना कर। ये क्या है ये? इतना बड़ा हादसा? हादसा नहीं, षड्यंत्र। जानबूझकर पिताजी की जान लेने की कोशिश की गई है। हम जानते हैं ये किसका काम है। खैर, उससे तो निपट ही लेंगे हम। जाओ पिताजी के लिए दूध और फल वल का इंतजाम करो। पिताजी आप आराम कर लीजिए। वो तो कर लेंगे बड़े, पर आगे क्या करना है वो सोचो। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने हमें यहाँ इस तरह अचानक क्यों बुला लिया? मैं आज मिस्टर युवराज से मिला था। मैं उनकी मजबूरी तो नहीं जानता, लेकिन आज वो ट्रक से सामान उतारने का काम कर रहे थे और उनकी हालत वाकई बहुत बुरी लग रही थी। तो क्या आपने हमें ये सब कुछ बताने के लिए यहाँ पे बुलाया? देखिए डॉक्टर साहब, शायद आप नहीं जानते कि युवराज की वजह से हमारे घर की कितनी बुरी हालत हुई है। उसने हमारा पूरा घर तोड़ दिया डॉक्टर साहब। देखिए जहाँ तक मैं जानता हूँ, युवराज जी ने ही आपके घर को बहुत बड़ी खुशी दी है। ये बात मैं आपको बताना नहीं चाहता था। युवराज ने मुझे मना किया था, बल्कि मुझसे वचन भी लिया था, लेकिन आज उनकी बुरी हालत देखकर मैं अभी सच को और नहीं छुपा सकता। कैसा सच? आपके पति क्षितिज के जिंदा रहने की वजह सिर्फ युवराज ही है। मतलब डॉक्टर हम कुछ समझे नहीं, आखिर चीजों की जिंदगी का युवराज से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, आपके पति क्षितिज को युवराज ने अपनी किडनी डोनेट की है।